ठाकुरा असली सरप्राइज तो अभी बाकी है। चलो बैठो सब लोग, बताता हूँ। अरे सुनो सब लोग बैठ जाओ, बच्चों बैठ जाओ सब लोग। बच्चों ये सब देख के कैसा लग रहा है? सुपर, एकदम मस्त। बच्चों मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहो, हंसते रहो, है मस्ती करते रहो, क्योंकि तुम लोगों को हंसते हुए देख के दुनिया और भी खूबसूरत लगती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे तारक मेहता को। आइए, चड्डी में मेहता साहब। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी का इस कार्यक्रम की इस शानदार शुरुआत करने के लिए। मैं चाहता हूँ हमारे सबके आदरणीय चाचा जी, जिनके लिए हम बच्चे हैं, हमारे आदरणीय चाचा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। चौदह नवंबर हमारा बाल दिवस, और बाल दिवस के दिन अगर इस बचपन की इस तरुणाई की बात न की जाए तो फिर किसकी बात की जाए। सचमुच अगर ईमानदारी से कहें तो हम तमाम बड़े लोग जो आप बच्चों को टोकते हैं, कभी कभी डांटते हैं, कभी कभी धमकाते भी हैं, डराते भी हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, यहाँ मत जाओ, यहाँ बैठो, ये खाओ, ये पियो, लेकिन सही बात तो यह है कि इस बाल दिवस के दिन मैं आप सबके माँ बाप की ओर से, सब बड़ों की ओर से एक चीज स्वीकार कर लेना चाहता हूँ कि ईश्वर की अगर सबसे बड़ी कोई देन है, अगर ईश्वर का सबसे बड़ा कोई उपहार है तो वो बचपन है। एकदम करेक्ट बोला मेहता। एक कहावत है कि दुनिया में ईश्वर सब जगह नहीं हो सकता था तो उसने माँ बनाई, लेकिन आज मैं बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि माँ ईश्वर का अवतार है, लेकिन अगर मैं आप बच्चों को देखता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि कभी वो श्री कृष्ण के रूप में, कभी श्री राम के रूप में संवर गया, ईश्वर को जब जब भी मौका मिला वो बच्चा बनकर धरती पर उतर गए। आपका रूप बिल्कुल एक निर्मल जल की तरह होता है, एक ऐसा जल जिसमें अभी तक द्वेष की, ईर्ष्या की, नफरत की, जलन की कोई काई नहीं है। आप जैसा सोचते हैं वैसा बोलते हैं, आप जैसे ऊपर है वैसे भीतर है। इसलिए आज इस बाल दिवस के दिन मैं सिर्फ गोकुलधाम के बच्चों को ही नहीं, दुनिया भर के बच्चों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और चाहता हूँ कि दुनिया भर के बचपन की ये मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे। आइए दुनिया भर के बच्चों के लिए हम एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं। बार बार ताली मारने से कसरत भी होती है ना, क्या बोलते हैं, एक्यू प्रेशर। हाँ हाँ। इसलिए बार बार मेहता साहब साथ साथ में कसरत भी करा रहे। तो बच्चों आपके लिए आज हम सब ने एक शानदार सरप्राइज रखा है, आप लोग तैयार है सरप्राइज के लिए? हम तैयार है। अरे वो बच्चों को पूछ रहे छोटी। हाँ तो आज हम बच्चों ही तो बने हैं। करेक्ट है छोटी, करेक्ट है। थैंक यू पिडू। लेकिन जो बच्चे नहीं बने सच में बच्चे हैं उनको पूछ रहे। तो दोस्तों मैं बुलाना चाहता हूँ उन्हें जो उम्र में बड़े हैं, शरीर से बड़े हैं, ओहदे में बड़े हैं, डिग्री में बड़े हैं, काम में बड़े हैं, लेकिन मन से अभी भी बच्चे हैं, मासूम हैं, कोमल हैं, अरे उनकी पत्नी का नाम भी कोमल है। यानी कि मैं बुला रहा हूं इस सरप्राइज के लिए हम सब के दोस्त और गोली तुम्हारे मम्मी पापा डॉक्टर एंड मिसेज आती। ये, 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 ये।
क्या बात है डॉक्टर आते ही कोमल भाभी, क्या गोली, कैसे लगे तुम्हारी मम्मी पापा की परफॉर्मेंस? सुपर्ब, मजा आया कि नहीं? डॉक्टर आते ही कोमल भाभी आप इतने क्यूट लग रहे थे ना, कहीं से भी ये कहने को दिल ही नहीं कर रहा था, असल में आप गोली के मम्मी पापा नहीं, गोली के बड़े भाई बहन लग रहे थे, बोलो है कि नहीं? Come on. नहीं माफ कीजिएगा, बड़े नहीं, छोटे छोटे भाई बहन, छोटे भाई बहन, सही बात है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन मैं तो कल्पना कर रहा था डॉक्टर हाथी, अगर आपके पीछे सचमुच कोई टट्टू पड़ जाए जैसा आप कह रहे थे तो कितना शानदार दृश्य होगा, पहली बार किसी जंगल में ऐसा होगा कि हाथी के पीछे टट्टू होगा। लेकिन सचमुच आपने जिस मन से, जिस प्यार से, जिस मोहब्बत से ये छोटे छोटे बच्चे बन के इनके लिए ये आइटम पेश किया, मैं एक बार आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि डॉक्टर और मिसेस हाथी को हम एक बार जोरदार तालियां बजा के इनका अभिनंदन करें। मन से और तन से भी। और बच्चों तुम जानते हो हम सब क्यों बच्चे बने, ये छोटे छोटे कपड़े हमने क्यों पहने, हमने तमाम अंकल आंटी ने इसलिए पहने बेटा कि ईश्वर से हम मन ही मन कहीं ये बहुत मांगते हैं कि और कुछ वापस लौटा है ना लौटा है, लेकिन बचपन जरूर लौटा दे। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि तुम लोगों की वजह से हम थोड़ा बहुत ही सही अपने बचपन में फिर से लौट गए। आइए आपकी खुशियों को हम और आगे बढ़ाते हैं, और आपको और खुश करने के लिए मैं बुलाता हूं उसे जो हमेशा जोश में रहता है, मस्त रहता है, सप्तम सुर में बात करता है और सबसे कहता है हमको आंख मत दिखाना, यानी कि रोशन एंड रोशन। क्या बात है मिस्टर एंड मिसेस सोनी, ग्रेट जॉब। ओ गोगी पुत्र कैसा किया सोनी ने, जोरदार, मस्त भाई, बहुत बढ़िया। रोशन भाभी कमाल किया आपने, जो आपका टपोरी अंदाज था, मैं कहता हूँ सोड़ी को भी कभी कभी इसी अंदाज में धमका दीजिए तो फिर ये पार्टी शार्टी नहीं करेगा। तुमने बिल्कुल सही कहा सोड़ी, आजकल के बच्चों को कोई धमका भी नहीं सकता है, बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं ना, आप हमारी टपू सेना को तो देखते ही है कितनी स्मार्ट है भाई, कमाल है। मुझे तो कई बार लगता है कि हर सोसाइटी में अगर इस तरह की कोई सेना हो तो फिर किसी और की जरूरत ही नहीं है, बच्चे बड़े कमाल के। पड़ोस की सोसाइटी में पिछले दिनों गया तो हुआ यूं कि एक बच्चा कुछ खेल रहा था गली में, तो शैतानी वैतानी कर रहा था सड़क पे, मिट्टी में खेल रहा था, तो मैंने कहा कि बता कौन है तू, बोले आपको क्या करना है, मैंने कहा बता कहाँ पैदा हुआ था, बोला तिरुवनंतपुरम, मैंने कहा स्पेलिंग बता, बोले फिर तो मैं गोवा में पैदा हुआ था। चलिए महफिल को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं बुलाने जा रहा हूं किसे, उसे बुलाता हूं जो बच्चों के साथ बड़े रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं और बच्चों को कभी कभी स्कूटर में घुमाते भी हैं, जो बच्चों को हमेशा प्यार करे, डांटे और लड़े भिड़े, यानी कि हमारे आत्माराम तुकाराम भिड़े और उनकी चाबी यानी कि माधवी भाभी। हम टप्पू सेना, कैसा लगा टप्पू सेना का परफॉर्मेंस? क्या कह
कैसा लगा अभी ये? क्या विद्यार्थी बन के कैसा लगा? बहुत मजा आया है? आजा फिर मजा आ गया। थैंक यू माधवी बाबी टीचर बने इस बार। वाह 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 भाई भिड़े, कमाल कर दिया तुमने तो। तुम टप्पू बने और सारे लोग टप्पू सेना, भाई क्या बात है। ओ भिड़े वो कमाल था। अब ये करना तो तुम मिस करते हो गया ना। अरे भाई भिड़े, मैं तो कहता हूँ उसे रख लो परमानेंट। हाँ हाँ रखता हूँ। माफ करना, तुम्हारे बालों के लिए नहीं कह रहा। समझ रहा, समझ भावना पोस लिया। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा भिड़े और माधवी भाभी, आप लोगों ने कमाल किया। बच्चों सुनाना तुमने इचक दाना बीचक दाना, क्या शानदार पहेलियां पूछी। अच्छा एक पहेली मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ वो कौन सी चीज है जो एक बार चली जाती है तो फिर लौट के नहीं आती? वो कौन सी चीज है जिसकी याद बड़ी आती है? वो कौन सी चीज है जो हर दिन हमें एहसास कराती है कि कभी हमारे पास थी? वो कौन सी चीज है जिसे हम रोज फिर से पाना चाहते हैं? वो कौन सी चीज है जब कोई चिंता नहीं होती? बताइए बताइए कौन सी चीज है वो? बोलो कोकी। सुनो। अरे बचपन। बचपन अगर चला जाए तो फिर लौट के नहीं आता। बड़े खुश नसीब हैं आप लोग कि आप अभी बच्चे हैं। आइए हम इन खुशियों को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और अब बुलाते हैं उसे जो रॉकेट में चांद पे जाने की तैयारी में है। यहाँ पे रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन फर्स्ट फ्लोर से सीधे चांद पे जाएंगे। नन अदर देन हमारे साइंटिस्ट मिस्टर कृष्णन अय्यर और बबीता जी। दोस्तों इंद्रधनुष के रंग आपने देखे हैं ना, एक रंग में दूसरा रंग किस तरह से जुड़ा रहता है, ठीक वैसे ही आज गोकुलधाम के तमाम बड़े लोग बचपन के रंग में रंग गए हैं, एक दूसरे से जुड़ के खेलते हुए कूदते हुए हंसते हुए गाते हुए। कई बार हमें लगता है कि जीवन में वैज्ञानिक कोई हो, कोई ऐसा साइंटिस्ट हो जो कोई एक ऐसा आईना बनाए जिसमें हम शक्ल देखें और हमारे बचपन के दिन उसमें नजर आने लगे। भाई कोई साइंटिस्ट ही आविष्कार करेगा या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस वक्त हमारे गोकुलधाम के साइंटिस्ट अय्यर और बबीता जी अपनी ग्रेट परफॉर्मेंस के लिए तैयार हैं और अभी उसमें जेठालाल का तड़का बाकी है, यानी कि बहुत कुछ होने वाला है। अभी तो आपने धमाकेदार शुरुआत देखी है, ओपनिंग ऑर्डर की बैटिंग देखी है, अभी मिडिल ऑर्डर की बैटिंग बाकी है, यानी कि गोकुलधाम में होने वाला है सुरेला हास्य से भरा अगला एपिसोड। मेरे साथ देखना मत भूलिएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।